नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जदयू की तरफ से लगातार भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला किया जा रहा है। अब जदयू अध्यक्ष व मुंगेर सांसद ललन सिंह ने मोदी सरकार के 9 साल के किए काम पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने हाल में अडानी विवाद में हुए 81,000 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी को लेकर पूछा है कि यह सब किसके संरक्षण में हुआ। ट्विटर पर किए पोस्ट में ललन सिंह ने एक के बाद कई सवाल पूछते हुए लिखा है कि मोदी जी बताएं कि उनके कार्यकाल में क्या काम हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि महिलाओं को मस्जिद के अंदर प्रवेश कर नमाज अदा करने की इजाजत है। बोर्ड ने कहा है कि मुस्लिम महिला नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में दाखिल होने के लिए स्वतंत्र है और यह उन पर निर्भर करता है कि वह मस्जिद में नमाज अदा करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहती हैं या नहीं। बिहार की मौजूदा राजनीतिक उठापटक के बीच आगामी 25 फरवरी का दिन खास बन गया है, जहां इस दिन गृह मंत्री अमित शाह पटना में आयोजित किसान मजदूर समागम में शिरकत करने के लिए पटना पहुंचने वाले हैं। इस कार्यक्रम के बहाने वह आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का शंखनाद करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह को जवाब देने के लिए इसी दिन महागठबंधन की नीतीश सरकार ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी इस दिन पूर्णिया में एक बड़ी रैली करने जा रही है। भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने अपना रुख साफ कर दिया है। यूरोपीय और यूरेशियन मामलों के करीबी सहायक विदेश मंत्री करेन ड्रोनफाइड ने बुधवार को कहा है कि रूस से तेल खरीदने में भारत की ओर से अपनाए गए दृष्टिकोण से अमेरिका सहज है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत पर प्रतिबंध लगाने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच काफी अच्छा संबंध है। सुरीली आवाज की धनी भोजपुरी सिंगर निशा पांडे अपनी आवाज के लिए जानी जाती हैं। वो एक से बढ़कर एक गाने गा चुकी हैं। उनके सुरीली आवाज के फैंस दीवाने हैं। गाने के अलावे वो सिंप्लिसिटी, फैशन सेंस और डांस के लिए खूब जानी जाती हैं। ऐसे में अब वो जल्दी पवन सिंह के साथ धमाल मचाने वाली है। उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो पवन सिंह के साथ नजर आ रही है और ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते डांस कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की यात्रा पर आएंगे, जहां आने के बाद पीएम कई परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार पीएम मोदी शुक्रवार को 10 बजे लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम के आगमन से पहले यूपी सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। राजधानी पटना के राजेंद्र नगर के प्रेमचंद गोलंबर स्थित 21 एकड़ से तैयार की जा रही एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का 85% सिविल वर्क कार्य पूरा हो चुका है। साइंस सिटी के गार्डन एरिया का काम पूरा होने के बाद यहां लगने वाले एग्जीबिटी के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। एग्जीबिटी का फाइनल डिजाइन भी तैयार कर लिया गया है। पीएम मोदी बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे थे, तभी कांग्रेस के सभी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। हालांकि थोड़ी देर बाद शशि थरूर सदन में वापस आ गए। शशि थरूर को देखते ही पीएम मोदी ने उन्हें थैंक यू शशि जी बोला। इतना सुनते ही सभी सांसद हंसने लगे। बीजेपी सांसदों ने हो गया कांग्रेस में बंटवारा का नारा लगाना शुरू कर दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही राहुल गांधी भी कांग्रेस के अन्य सांसदों के साथ सदन में वापस आ गए। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के नेता के रूप में तेजस्वी का नाम आगे किए जाने पर उपेंद्र कुशवाहा के विरोध के बाद बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रहार किया है। राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा के सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि बिहार की जनता तेजस्वी के नेतृत्व को कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि बिहार के लोग लालू राबड़ी राज के उस दिन के दौर को अब तक नहीं भूल पाए हैं। अडानी ग्रुप ने $500 मिलियन के कर्ज को अगले महीने चुकाने का फैसला लिया है। बारकेले स्टैंडर्ड चार्टर्ड डच बैंक का तकरीबन $4.5 बिलियन का कर्ज, जो कि 9 मार्च को बकाया है, उसे अडानी ग्रुप अगले महीने खत्म करने जा रही है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, पेंशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर कोई शिकायत है, तो आप घर बैठे उन समस्याओं का समाधान पा सकेंगे, जिससे आपको काफी राहत मिलेगी, क्योंकि पेंशन भोगियों की शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए पेंशन अदालत का गठन किया गया है, जिसके तहत पेंशन अदालत में पेंशन की शिकायतों का अब घर बैठे निस्तारण किया जाएगा। भारत ने तमाम मतभेदों के बावजूद तुर्की में आए भूकंप में सबसे आगे बढ़कर मदद की है। भारत ने एनडीआरएफ की बड़ी टीमें भेजी हैं, ताकि मुसीबत में फंसे लोगों को निकाला जा सके। भारत ने तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया है, क्योंकि भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत ही पूरी दुनिया को देखता है। कुछ यही कहना है भारत के विदेश मामलों के मंत्रालय के मंत्री एस जयशंकर का, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि तुर्की तो हर वैश्विक मंच पर भारत की खिलाफत करता है, इसके बावजूद भूकंप आने पर भारत दुनिया में तुर्की की मदद के लिए सबसे पहले खड़ा क्यों हो गया। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा है कि दिल्ली का रीज वाला इलाका फेफड़े की तरह काम करता है और शहर के लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह रीज वाले इलाके में ऐसी कोई जमीन आवंटित ना करे जिसे सुरक्षित या संरक्षित क्षेत्र के रूप में
अधिसूचित माना जाता है। न्यायालय ने यह माना है कि रीज के उन क्षेत्रों की पहचान करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो अधिसूचित नहीं है, लेकिन उनकी विशेषताएं रीज जैसी ही है। दुनिया भर में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, इसके कारण झीलों के फटने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार ग्लेशियर झीलों के कारण भारत में 30 लाख और दुनिया भर में 1.5 करोड़ लोगों का जीवन संकट में है। रूस ने भारत को 28,000 करोड़ के हथियार बेचे हैं। यूक्रेन के साथ जंग के कारण पश्चिमी देशों और अमेरिका की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध का सामना कर रहे रूस को भारत अपना बकाया राशि देने का विकल्प को खोज रहा है। चूंकि भारत अधिकांश सैन्य हथियार और हार्डवेयर रूस से खरीदता है, ऐसे में भारत सरकार चिंतित है कि भुगतान में और देरी होने पर महत्वपूर्ण कल पुर्जों और उपकरणों की डिलीवरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को मॉस्को में आयोजित अफगानिस्तान पर 5वीं बहुपक्षीय सुरक्षा वार्ता में भाग लिया। रूस में भारतीय दूतावास ने बताया कि अजीत डोभाल ने इस दौरान अफगानों की भलाई और मानवीय जरूरतों पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत जरूरत के समय अफगान लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। भारत के बेहद करीबी इस्लामिक देश यूएई जहां पिछले दिनों एक कानून बनाया गया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, इसमें यूएई में रह रहे गैर मुस्लिम लोगों की शादी, तलाक, बच्चे की कस्टडी, संपत्ति पर अधिकार, बिल आदि को लेकर बेहद उदार नजरिया अपनाया गया है। यहां पर रहने वाले दूसरे देशों और दूसरे मजहब को मानने वाले बिन ब्याही लड़कियों को भी माँ बनने की इजाजत दे दी गई है। संसद के बजट सत्र में दो नेताओं के ड्रेस की खूब चर्चा हो रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने रिसाइकल प्लास्टिक से बनी जैकेट पहनी थी तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 56,000 का मफलर लपेटे संसद में पहुंचे थे। खास बात यह कि लोगों का ध्यान खड़गे की ड्रेस पर गया ही तब जब वो गरीबों की कम आय को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे थे। बस फिर क्या था, देखते ही देखते ट्विटर पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। खासकर बीजेपी नेताओं ने उन्हें निशाना बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोशल मीडिया में एक झूठ वायरल हो रहा है। कुछ एडिटेड वीडियो को वायरल करते हुए दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंचे थे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। पीआईबी ने फैक्ट चेकिंग की तो वायरल पोस्ट का दावा फर्जी साबित हुआ। सामान्य तौर पर भारतीय समाज में पप्पू शब्द को उपहास के तौर पर लिया जाता है। भारतीय राजनीति में इस शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी के बारे में सत्ता पक्ष के लोग करते रहे हैं, लेकिन संसद में अधीर रंजन चौधरी ने जब इस शब्द का जिक्र किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप किसी सांसद के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनके कहने का मतलब है कि जो लोग जिस शख्स को पप्पू समझा करते थे उसने आज आपको पप्पू बना दिया। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने चैरियट एडवर्टाइजिंग के राजेश जोशी को गोवा चुनाव के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। राजेश जोशी पर आरोप है कि उन्होंने आरोपी दिनेश अरोरा के जरिए अपनी विज्ञापन कंपनी रथ विज्ञापन के माध्यम से 30 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे। भारतीय विमानन कंपनियां अगले 1-2 साल में 1500 से 1700 विमानों का ऑर्डर दे सकती हैं, जबकि एयर इंडिया के 500 विमानों का ऑर्डर देने की संभावना है। विमानन सलाहकार फर्म CAPA ने बुधवार को यह संभावना जताई है। भारत दौरे पर आई अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन बुधवार को महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाएं देखने पहुंची। यहां उन्होंने 2.5 घंटे बिताए जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। क्लिंटन ने गुफा परिसर को एक असाधारण ऐतिहासिक स्थल बताया है। क्लिंटन औरंगाबाद शहर के 2 दिवसीय दौरे पर थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने नौसेना के साथ अपने गगनयान मिशन के तहत वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी में क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल के शुरुआती परीक्षण को पूरा कर लिया है। अंतरिक्ष एजेंसी की ओर से कहा गया है कि यह परीक्षण गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल रिकवरी ऑपरेशंस की तैयारी का हिस्सा था जो कि भारतीय जल में किया जाएगा। कैप की तर्ज पर अब ऐप के जरिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन की सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियां इसके लिए ऐप तैयार करवा रही हैं। इससे वह छोटे व सीमांत किसानों को मांग के अनुरूप ड्रोन किराए पर ले सकेंगे। बुकिंग के बाद ड्रोन संबंधित लोकेशन पर भेजा जाएगा। किसानों को ड्रोन के इस्तेमाल के एवज में प्रति एकड़ की दर से किराया चुनना होगा। 18 साल की सोनम ने लड़कियों की 2000 मीटर स्टीपल चेज में नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड हासिल किया है। इस स्पर्धा में 6 मिनट 45 सेकंड और 71 मिली सेकंड का समय निकालकर चैंपियन बनी है। इस स्पर्धा में गोल्डन गर्ल बनी सोनम ने 11 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये रिकॉर्ड 2012 में लखनऊ में हुई यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पारुल चौधरी ने बनाया था। उन्होंने 7 मिनट 6 सेकंड और 49 मिली सेकंड के रिकॉर्ड बनाए थे। आजाद भारत की जनगणना के इतिहास में 9 फरवरी का खास महत्व है क्योंकि इस दिन जनगणना के लिए सूची बनाने का काम शुरू किया गया था। जनगणना हर 10 वर्ष में मनाया जाने वाला एक ऐसा राष्ट्रीय उत्सव है जिससे देश के हर हिस्से में रहने वाले हर नागरिक को शामिल किया जाता है।
देश में 1871 के बाद से हर 10वें साल जनगणना होती थी। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि देश में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी को सख्ती से विनियमित करने के लिए एक केंद्रीय कानून की जरूरत है। साथ ही कहा कि कई राज्यों ने इससे निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने भारत में भी सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू कर दी है। भारत में ट्विटर ब्लू सर्विस के लिए कीमत 650 रुपए प्रति महीना से शुरू की गई है। वेब यूजर्स को ट्विटर ब्लू के लिए 650 रुपए प्रति महीना चुकाने होंगे, जबकि मोबाइल यूजर्स के लिए यह 900 रुपए प्रति महीना होगा। देश के विभिन्न हिस्सों में बाघ अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित वन्य क्षेत्रों के कोर एरिया या बिल्कुल अंतरिक्ष संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी किस्म का निर्माण करने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बुधवार को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा है कि विशेषज्ञों की राय में भी कोर एरिया में चिड़ियाघर यानी जू बनाने या टाइगर सफारी शुरू करने की योजना कतई उचित नहीं है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है महेंद्र कुमार, महमूद अंसारी, अनवर करीम खान, संजय चौधरी, नुन्नू गोलू कुमार, विपिन वर्मा, एमडी शाकिर हुसैन, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, रवि शंकर, रंतोष कुमार, अर्जुन राम, जुबैर आलम, अंशु प्रिया, अनवर हुसैन। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी को संचालित करने के लिए क्या एक मजबूत कानून की जरूरत है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।